अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो ये हैं। हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। उसे लो फ्लेम पर गरम करने रख देंगे। अब हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइसेस में कट करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं। अब मैं इसे धो के भिगोने के लिए रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। अभी हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच साबुत गर्म मसाला लिया है। उसमें 2-3 इलायची, 2-3 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 खाने के चम्मच ज़ीरा। ये अब मैं प्याज के साथ फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब मैं इसके अंदर कनौर के चिकन कनौर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ यखनी ऐड नहीं कर रही, चिकन कनौर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। ये भी हमें यखनी का ही फ्लेवर देंगे। 1 कप मटर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये मेरा चम्मच छोटा है, ये प्रॉपर 1 खाने का चम्मच ही ऐड करना है। और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हसबे जायका है, जब हम चावल ऐड करेंगे तो हम इसमें नमक चेक कर लेंगे कि कम है तो फिर हम और ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच। ये बहुत क्विक बनता है मटर पुलाव और बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत इजी है इसे घर में बनाना। तब हम इसे अच्छी तरह से मटर के साथ मिक्स करेंगे। अब हम 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर ढक्कन बंद करके मटर को कुक होने के लिए रखेंगे। अब 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए मसाले से। अब हम इसके ऑयल अलग हो चुका है। अब मैंने जो चावल भिगोए थे अब वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए हैं और मैं इसके अंदर पानी 1.5 गिलास ऐड करूँगी। 2 कप चावल में 1.5 गिलास पानी बिल्कुल ठीक रहता है, चावल बहुत बिखरे हुए बनेंगे। 1 गिलास मैंने चावल को 20 मिनट के लिए भिगो दिया था पानी में और ये 1/2 गिलास। अब हम इस जो है वो स्टेप पर नमक चेक करेंगे, फिर अगर नमक कम होगा तो ऐड कर लेंगे। अब हम फुल फ्लेम पर इसे एक बॉईल आने का वेट कर रहे हैं। ये देखें बॉईल आ गया है, हमने चूल्हा पूरा तेज़ रखा था ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। अब हम इसे मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। अब ये देखें हमारे चावलों को दम आ चुका है, उतने बिखरे हुए राइस तैयार हुए हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव तैयार है। सैलेड और रायते के साथ आप इसे एंजॉय करें। मैंने यहाँ पुदीने का रायता बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।